तुरई की सब्ज़ी तो आपने बहुत सी खाई होगी, पर तुरई के छिलके के बहुत ही अच्छे यूज़ आपको नहीं पता। आज हम बनाएंगे तुरई के छिलके की एक ऐसी रेसिपी जिससे आप दोबारा कभी भी तुरई के छिलकों को नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है तुरई के छिलकों को एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जितने आप तुरई ये लेंगे उस हिसाब से आप इसमें छिलके जो है मिक्सी जार में डाल सकते हैं। मिक्सी जार में ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बड़ा सा प्याज। तो यहाँ पर तुरई की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं 6 से 7 पीसीज जो हैं तुरई के थे, आधा किलो लगा सकते हैं। और एक बड़ा प्याज डालने के बाद यहाँ पर मैं जो स्पाइस बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मैंने अदरक जो है काट कर रखा हुआ है उसको भी डाल रही हूँ। अब हम इसको जो है मैश कर लेंगे मिक्सी जार में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद जो है इसमें जो है अच्छे से जो है इसको पीस लेंगे। तो मसाला रेडी हो गया है, तो अभी हम पैन में जो है तेल चढ़ाते हैं और तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। तो जीरा डालने के बाद जो है हमें इसमें प्याज डालना होगा जो हमने जो तुरई के छिलकों के साथ पीसा हुआ है, वो मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे पकाना है ताकि जो तुरई के छिलके हैं वो बिल्कुल भी कच्चे ना लगे और पता भी ना लगे हमने इसमें डाला है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनेगी और बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी। तो अच्छे से जो है हमें इसे मिक्स करना है और इसे 1 से 2 मिनट तो लगातार हमें चलाते हुए रहना है। तो यहाँ पर प्याज और जो तुरई है अच्छे से भुन गई है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर की प्यूरी। अच्छे से इसको भी हमें जो है पका लेना है, टमाटर की खटास को कम कर देना है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, जो भी आप अपने मसाले ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना चाहते हैं तो कुछ मसाले स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल रोज़ाना यूज़ होने वाले मसाले ही डाल रही हूँ। नमक डाली है आधी छोटी चम्मच, यहाँ हल्दी डाली है, थोड़ा सा यहाँ मैंने गर्म मसाला डाला है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है मसाले ऐड नहीं करेंगे। हेल्दी बनानी है तो बहुत चटाकेदार नहीं बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से जो है मसालों को भून लेना है हमें। तो यहाँ पर मसाले भून गए हैं और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें तुरई। और यहाँ पर मैंने पीसीस में तुरई काट ली है, आप देख सकते हैं। अच्छे से मसाले में मिक्स कर देना है और हमें इसे 1 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है। इसे जो तुरई हमने धोई है या तुरई में जो पानी होता है वो मसाले में अपने आप मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाल दी है कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, दूध पानी की जगह ऐड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अच्छे से आप देख सकते हैं दूध मिक्स हो गया है और तुरई भी थोड़ी सी कच्ची है, अभी आधी पक गई है और आधी कच्ची है। तो अभी हम जो है दूध सूखने तक इसको जो है पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध सूख चुका है और बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको छोटी सी रेसिपी को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।